वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्रेंड लिस्ट चेक करने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। अरे यार, ध्रुव पटेल भाई 14 दिन से कहाँ थे। उसके बाद में श्याम 2411, ये भी 9 दिन से गायब है। उसके बाद में विक्रांत 21, 5 दिन से गायब है। 3454 66 66 76 78 8678, 1 दिन से गायब है। तो देखो अभी फटाफट, वरना किक मारना पड़ेगा मुझे मजबूरन। तो अभी मैं फ़िलहाल तो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कार्ड शो नहीं कर रहा है ज़्यादा दिन ऑफलाइन होने के वजह से। तो नेक्स्ट आईडी की तरफ बढ़ता हूँ मैं। और सबसे पहले बात, मैं ओ माय गॉड शिट, मैं 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन परेशानी और मुसीबतें इतनी ज़्यादा है मेरे सक्सेस के और मेरे बीच में, कि जिस वजह से मैं सक्सेस हासिल नहीं कर पाता। तो परेशानी तो हट गई, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। मुझे वीडियो स्टार्ट 9 बजे करना था और 10 बजे, अभी 1 घंटा वेस्ट हो गया मेरे टोटल। और मेरी बैटरी भी 68% पे है, तो फटाफट करना पड़ेगा वरना बैटरी डाउन और वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मेरा। अरे यार, इनका भी वो भाई साहब का कुछ है ही नहीं, अभी क्या करे। कम से कम ये भाई साहब का तो दिख जाएगा, दिख गया दिख गया। क्रिटिकल डैमेज, ऑल अटैक, फिजिकल अटैक, कूलडाउन ड्यूरेशन 7.5%, सेम बोलूँगा, सेम आपको इंक्रीज करना है। मेरे कहा से विक्रांत 21 का, जब भी मैंने आईडी चेक कर लिया, उसके बाद शाम 2411 कर कई बार कर लेता हूँ, कैरेटी का भी देख लेता हूँ थोड़ा। रिकवरेड लाइटनिंग रेसिस्ट और स्पाइट स्टिक, कैप्टन अमेरिका शेरन रजस माइंड रेसिस्ट और रिकवरी रेट, इसको ज़रूरत नहीं है। श्याम भाई थोड़ा सा इसको चेंज कर लो और आईसोट अच्छा देने की कोशिश करो। साथ में इसका बहुत कुछ चेंजेस करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर हल्क बस्टर का क्या है, हल्क बस्टर फायर डैमेज कहाँ करता है, हल्क बस्टर किधर से फायर डैमेज करता है, कहीं से नहीं करता। फिर फायर डैमेज के ऑब्लिस्क की कोई ज़रूरत नहीं थी, साथ में वेव इफेक्ट दिया हुआ है ना, इसको चेंज करो। उसके बाद में इसको गार्ड इम्यूनिटी दो प्लस क्रिटिकल डैमेज दे दो, तो ज़्यादा बेटर डैमेज करेगा हल्क बस्टर। उसके बाद में इग्नोर डॉज, एक मिनट में आपको मैं मेरा वाला दिखाता हूँ, मेरा वाला हल्क बस्टर दिखाता हूँ। उसका जैसा बनाना चाहो तो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मेरा हल्क बस्टर की HP है 60, इसको मैं पोटेंशियल लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि पोटेंशियल लेवल इंक्रीज करने के लिए एंटीमैटर बहुत ज़्यादा लग रहा है और साथ में जो गोल्ड लग रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वजह से मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा। तो क्रिटिकल डैमेज इग्नोर डॉज है मेरा। यहाँ पर मैं कुछ और देने वाला था लेकिन कुछ और है, तो फिलहाल तो मैं काम चला रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही काम चलाओ। उसके बाद में यहाँ पर स्पाइडरमैन इग्नोर डॉज वेव इफेक्ट, इग्नोर डॉज तो लगा लिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेव इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। वेब की जगह अगर फेयर होता तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको चेंज कर देना। उसके बाद में यहाँ पर इग्नोर डॉज और क्रिटिकल डैमेज का CTP दिया हुआ है, डैमेज प्रॉक वाला। यहाँ पर आपको आईएसओडी चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद में लाइटनिंग डैमेज का क्रिटिकल डैमेज और इनविजिबिलिटी या फिर डैमेज प्रॉक थॉर को देना होगा, तब को जाकर थॉर और ज़्यादा पावरफुल बनेगा। उसके बाद में सैंडमैन का क्या, ऑल डिफेंस लाइटनिंग रेसिस्ट, ये भी ऑब्लिस गलत दिया, इसको भी हटा दो। उसके बाद में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डिफेंस वाले एक भी नहीं देना, यहाँ पर ऑल डिफेंस का है, तो डिफेंस वाले हटा दो, किसी काम के नहीं। उसके बाद में रिकवरी रेट 120% का डैमेज प्रॉक, डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या है, 140% का डैमेज ब्रॉक, माइंड डैमेज और कोल्ड डैमेज दोनों की ज़रूरत नहीं है। गार्ड बैक इम्यूनिटी प्लस रिकवरी रेट या फिर वेव इफेक्ट या फिर फेयर इफेक्ट या फिर कुछ और, तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी ये कैरेक्टर सब पेंडिंग में है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ चेक करूँगा नहीं, बस सीधा सीधा चलो अभी आगे। उसके बाद में शाम 2411 का चेक कर लिया, उसके बाद में विक्रांत 21 का जब भी चेक करके हो गया, उसके बाद में ये फिर भी मैंने आईडी चेक कर लिया है 347866, जब भी मैंने शायद चेक किया था, एक बार मैं नज़र मार लेता हूँ, पता चल जाएगा कि मैंने किया था कि नहीं किया था। मेरे ख्याल से किया मैंने जब भी, इसको ये ऑब्लिस चेंज कर दो, स्पाइडरमैन को ये वाला ऑब्लिस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में गार्ड इम्यूनिटी स्टन इम्यूट ठीक है, बाकी को दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। उसके बाद में स्नेयर इफेक्ट दिया हुआ है,
सब कुछ गलत दे रखा है यहाँ पर, सभी कैरेटी के अंदर आई स्वेट और ऑब्लिक दोनों गलत है, तो हल्का ठीक है लेकिन बाकी सबका गलत है, तो वो सब चेंज करो, आई स्वेट भी चेंज करो। उसके बाद में यूनिफॉर्म नहीं खरीदे, डॉक्टर स्ट्रेंज और एक्समैन और डेडपूल के इफेक्ट सभी भी रनिंग कर रहे हैं, तो बंद भाई थोड़ा सा फोकस करो अपने कैरेक्टर पे। उसके बाद में दनिश गैंग, दशी गंग हुआ मेरे से, थोड़ा सा इधर चेक कर लेता हूँ कार्ड में क्या हाल है। अटैक स्पीड, क्रिटिकल रेट, फिजिकल अटैक, एनर्जी अटैक, इग्नो डिफेंस और थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। 130% का डैमेज प्रॉक है, फायर डैमेज, माइंड डैमेज। उसके बाद में यहाँ पर टोटल सब गलत दिया हुआ है, सब कुछ सही करना पड़ेगा सिर्फ डैमेज प्रॉक का छोड़कर। स्पाइडरमैन का कुछ दिया नहीं है, स्पाइडरमैन के अंदर इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ है अभी ठीक तरीके से, तो खेलते रहो, लगे रहो और हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद में यहाँ पर सुजीत वर्मा का कूलडाउन ड्यूरेशन 23% पे है। उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल अटैक 24%, एनर्जी अटैक 11%, ऑल अटैक 26%, तो ठीक है, बंदा काफ़ी समझदार लग रहा है, काफ़ी हद तक नॉलेज है और काफ़ी हद तक कैरेक्टर भी है इसके पास, तो ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेगा। उसके बाद में नेक्स्ट दशिकंग का हो गया। उसके बाद में सुजीत वर्मा मैंने शायद जब भी किया था, एक मिनट, सुजीत वर्मा का अभी भी किया मैंने, फिर से वापस से लेता हूँ मैं अभी 1425। सबसे पहले कार्ड में अटैक स्पीड, क्रिटिकल डैमेज, ऑल अटैक, फिजिकल अटैक, इग्नोर डिफेंस और कूलडाउन ड्यूरेशन सब कुछ सही है, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर मेरे ख्याल से जब भी मैंने आईडी चेक किया हुआ है, मेरे अलायंस का है ना, वो गया चेक हो गया, जब भी चेक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एजे ग्रे बॉय थोड़ा सा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, क्रिटिकल डैमेज, ऑन अटैक, फिजिकल अटैक, एनर्जी अटैक और कूलडाउन ड्यूरेशन 14% पे, कूलडाउन ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा अलायंस कॉन्सियस में 30% में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा शायद। कैप्टन अमेरिका हॉका है, उसके बाद में क्रिटिकल डैमेज है, वेव इफेक्ट है। फिलहाल टाइम लिमिट के लिए ये ऑब्लिक सही है, लेकिन ABX के लिए ये ऑब्लिक सही नहीं है, तो आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहाँ यूज़ करना है कैरेक्टर को। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आयरन मैन बकी, क्रिटिकल डैमेज, गार्ड बेयर की इम्यूनिटी चल जाएगा, लाइटनिंग रेसिस्ट डॉज। उसके बाद में यहाँ पर थॉर, लाइटनिंग डैमेज, पॉइजन डैमेज, ये लाइटनिंग डैमेज के साथ क्रिटिकल डैमेज या गार्ड बेयर की इम्यूनिटी या फिर इनविजिबिलिटी या फिर डैमेज प्रॉक दे देता तो ज़्यादा बेटर रहता थॉर के लिए। उसके बाद में यहाँ पर क्विक सिल्वर, वेव इफेक्ट, स्टन इफेक्ट प्लस इनविजिबल, टाइम लिमिट के लिए ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉक्सिमा मिडनेट का कुछ दिया ही नहीं है, डैमेज प्रॉक वाला ऑब्लिस दे देना इसको, कितना भी 110, 120, 130, 160, 180 कुछ भी होगा दे देना, कम से कम ABX में काम तो आएगी। उसके बाद में यहाँ पर मैक्सिमम क्रिटिकल रेट 15% रिकवरी, वुल्वरिन ग्रूट का देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ओवरड्राइव, हल्को रिकवरी, इग्नोर डॉज चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सैंडमैन को कुछ दिया ही नहीं है, सैंडमैन को ABX के लिए रेडी करो। उसके बाद में एंटी वेनम को कुछ भी दे दो चलेगा। उसके बाद में कैप्टन अमेरिका शेरन रोज, उसको क्रिटिकल डैमेज, स्टन इम्यूनिटी ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर माइंड डैमेज, इनविजिबिलिटी 5 सेकंड्स के लिए, विव इफेक्ट। उसके आगे ये कौन सा कैरेक्टर, वॉर मशीन कुछ दिया ही नहीं है, वैसे वॉर मशीन का यूज़ क्या है मेरे को भी अभी तक ठीक से नहीं पता, वैसे ना टाइम लिमिट बैटल में दिखता है ना अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड में, पता नहीं कहाँ गया वॉर मशीन। उसके बाद में यहाँ पर इसको डैमेज प्रॉक देना ब्लैक वुडो, ताकि ABX में काम में आए। आज ABX में कैप्टन अमेरिका फीमेल है, तो मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ फाइट में, आपको बाद में अपलोड करके दिखा दूंगा, वैसे अभी फाइट खेलना बाकी है। उसके बाद में यहाँ पर कोल्ड डैमेज 160% का डैमेज प्रॉक, स्नेयर इफेक्ट, ये तो सिर्फ मेरी कॉपी है। उसके बाद में यहाँ पर शूरी को कुछ नहीं दिया हुआ है, गोब्राइडस, गोस्ट राइडर, ड्रल्ट्रॉन, जायंट पेन, जायंट मैन, जल्ट्रॉन, मैं इसका बोलता हूँ जल्ट्रॉन बोलता हूँ,
विजन का कुछ नहीं है, इसके बाद में बाकी सब कैरेक्टर पेंडिंग में। अरे यार ये क्या हो रहा है, वैसे चेंज होता रहता है ना, बड़ा गुस्सा आता है। मेरे खास फ्रेंड राज राजा 12 बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेक कर ले चेक कर ले चेक कर ले, तो चले वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कूल डाउन ड्यूरेशन 28%, मेरे ख्याल से अलायंस में 30% के इसमें है, तो कूल डाउन ड्यूरेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में इनका जो कार्ड कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज 5.1% काफ़ी कम है, लेकिन ऑल अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में एनर्जी अटैक भी काफ़ी ज़्यादा है, इग्नोर डिफेंस भी काफ़ी हद तक है, लिमिटेड है लेकिन काफ़ी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एचपी 14% पे, रिकवरी रेट 8.4% पे है, काफ़ी इंप्रेसिव। उसके बाद में यहाँ पर कुछ मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट का कार्ड में चेक कर लेता हूँ कार्ड क्या है। लोकी का, लोकी के दो कार्ड है, तीन कार्ड है, सिविल वॉर का एक और ग्वेनपूल का एक। उसके बाद में एक मिनट में स्टेट भी देख लेता हूँ, स्टेट मैंने देखा नहीं है, देख लेता हूँ। हटर बाजू कोल्डन ड्यूरेशन अटैक स्पीड इग्नोर डिफेंस रिकवरी रेट एनर्जी अटैक ऑल अटैक, अच्छे स्टेट लाए भाई बहन ने, ऐसे स्टेट लाना। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट, शॉट दूसरा स्क्रीनशॉट लेना। ऑल अटैक मैक्सिमम एचपी क्रिटिकल डैमेज कोल्डन ड्यूरेशन अटैक स्पीड एनर्जी अटैक, इसको बोलते हैं स्टेट। ऑल अटैक कोल्डन ड्यूरेशन इग्नोर डिफेंस कोल्ड रेसिस्ट फिजिकल डिफेंस एनर्जी अटैक। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट के बारे में गड़बड़ है, इधर थोड़ा लोकी के कार्ड में। उसके बाद में यहाँ पर लोकी का प्रीमियम कार्ड वाला, यहाँ पर एनर्जी अटैक इग्नो डिफेंस कूल डाउन ड्यूरेशन अटैक स्पीड और कोड रेसिस्ट ऑल अटैक, काफ़ी ज़्यादा ऑल अटैक लाया है भाई ने। उसके बाद में यहाँ पर और एक ऑल अटैक फिजिकल डिफेंस मैक्सिमम एचपी अटैक स्पीड फिजिकल डिफेंस एनर्जी अटैक। राइजिंग इंडिया अलायंस का नेम है, मेरे ख्याल से अलायंस फुल होगा। तो यहाँ पर कैप्टन देखते हैं, सबसे पहले कैप्टन यहाँ पर क्या है, यह कैप्टन का यहाँ पर सिटी भी दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है सोचो। ए बी एक्स में कैप्टन को यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात। उसके बाद में यहाँ पर ओवरड्राइव दिया हुआ है, ओवरड्राइव में यहाँ पर और इनका भाई साहब का जो अटैक है वो 34,000 अटैक है, 80 के सिंगल कैरेक्टर का, और मेरे पास मेरा कैप्टन का अटैक है 32, तो थोड़ा सा 2,000 का फ़र्क है, लगभग करीब ही है। तो यहाँ पर दूसरा मैं चेक करता हूँ, वो इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पर भाई साहब का जो कार्ड है उसमें ऑल अटैक बहुत ज़्यादा है और मेरा कम है इसलिए। उसके साथ में यहाँ पर थॉर, थॉर का हॉकाई है, साथ में यहाँ पर सिटी भी नहीं दिया हुआ है, डैमेज प्रॉक दिया हुआ है, लाइटनिंग डैमेज, पॉइजन डैमेज और 180% का डैमेज प्रॉक दिया हुआ है ए बी एस के लिए। उसके बाद में स्कारलेट विच, स्कारलेट विच को भी ए बी एस के लिए तैयार किया गया है, माइंड डैमेज के साथ और स्टन इफेक्ट के साथ, एंग्री ऑफ हल्क दिया हुआ है। उसके बाद में जो स्कारलेट विच है वो टायर 3 करने के लिए एकदम रेडी है, जैसे ही टायर 3 आएंगे भाई साहब तो टायर 3 कर ही डालेंगे पक्का श्योर। उसके बाद में यहाँ पर थैनोस, थैनोस के पास है सिटी भी और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, और इसके गियर्स जो है वो 25-25 नहीं है, 20-20 है, और आईसोट भी काफ़ी नॉर्मल लेवल पर है। साथ में यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का है, डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या है, यहाँ पर फियर इफेक्ट है प्लस 180% का डैमेज प्रॉक है। एक क्वेश्चन है, यहाँ पर गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी क्यों निकाल दिया, बाद में देना मुझे जवाब। क्रिटिकल डैमेज 180% का डैमेज प्रॉक, यहाँ पर भी डैमेज प्रॉक है। पिछली बार भी मैंने जब आईडी चेकिंग की वीडियो बनाया था तब भी मैंने ये बोला था, सभी कैरेक्टर में मैक्सिमम डैमेज प्रॉक लगा रखा है। तो अलायंस कॉन्क्वेस्ट की वजह से और कुछ शैडोलैंड स्टेजेस और कुछ कुछ स्टेजेस के वजह से डैमेज प्रॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वजह से काफ़ी हद तक कैरेक्टर में डैमेज प्रॉक लगा रखा है भाई साहब ने। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इग्नोर डॉच इनविजिबल 4 सेकंड्स के लिए, गार्ड बे कम्युनिटी प्लस मूवमेंट, यहाँ से इधर का किधर गया, यहाँ का कहाँ गया, यहाँ का डैमेज प्रॉक कहाँ गया मेरे भाई। गार्ड बे कम्युनिटी इग्नोर डॉच, यहाँ पे भी डैमेज प्रॉक होने चाहिए था मेरे ख्याल से, मजाक कर रहा हूँ, इनविजिबिलिटी होना चाहिए था। और यहाँ पर इसका डैमेज प्रॉक होना चाहिए था प्रॉक्सिमा मिडनाइट का, ए बी एक्स में स्कोर करने के लिए आपको ज़्यादा बेटर रहता, आपके पास तो प्रॉक्सिमा मिडनाइट टायर 2 भी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। एपिकुलिस भी है, काफ़ी हद तक रेडी है ए बी एक्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पर फोनिक्स, फोनिक्स को सी टी पी दिया हुआ है और हॉकाई का दिया हुआ है आइसोएट। उसके बाद में यहाँ पर वुल्वरिन, वुल्वरिन को 120% का डैमेज प्रॉक दिया हुआ है, डेडपूल इनका रेडी है, डेडपूल को दिया हुआ है एक खास तरह का सी टी पी जो मैंने भी कैप्टन को दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इनके साथ मैच ज़रूर लड़ूंगा। चलो एक एक मैच हो जाए, एक एक मैच तो बनता है।
एक एक मैच तो बनता है मेरे पास। मेरे ख्याल से मेरे को फ़ाइट करनी पड़ेंगी, लेकिन फ़ाइट करने के लिए मेरे को अलायंस टैनल मेटल में जाना पड़ेगा फ़ाइट लड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इंडो डेडपूल सेट के आऊँगा। तो चलो रेडमी 2001 को चेक करते हैं। पिछले बार भी मैंने वीडियो चेक किया था। आई एम जितेंद्र को भी चेक कर लूँगा। 2 मिनट रुको, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। क्रिटिकल डैमेज, ऑल अटैक, फिजिकल अटैक, एनर्जी अटैक, कूलडाउन ड्यूरेशन 27%, काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट से है। ठीक है, इंप्रूवमेंट है, चल रहा है अभी भी। यहाँ पर डैमेज पक दिया हुआ है थॉर को, उसके बाद में यहाँ पर 160% का डैमेज दिया हुआ है वॉर मशीन को, उसके बाद में यहाँ पर डैमेज पक फिर से बकी को, उसके बाद में यहाँ पर इनविजिबल स्पाइडरमैन को क्विक सिल्वर क्या दिया हुआ है 180% का डैमेज पक, और फेयर इफेक्ट से बचने के लिए अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद में क्रिटिकल डैमेज इनविजिबल 3 सेकंड्स के लिए, अभी चेक किया था मैं दोबारा से, सॉरी। उसके बाद में यहाँ पर 140% का डैमेज पक, डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या हाल है, डॉक्टर स्ट्रेंज का ग्राम गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी, बाकी के सब पेंडिंग है। अच्छा कर रहा है, करते रहे और बेस्ट लगे रहे। उसके बाद में जखेंद्रो, जे के डेरू। अरे बाप रे, स्काली रिज को देखते ही लग रहा है कि बंदा बहुत पावरफुल है। यहाँ पर CTP दे रखा है, एंग्री ऑफ वर्ल्ड टायर 3 कैप्टन। उसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज क्या हाल है, यहाँ पर 200% का डैमेज पक और वेव इफेक्ट, क्या बात है। उसके बाद में यहाँ पर फेयर इफेक्ट है ब्लैक पैंथर को, उसके बाद में डैमेज पॉक है। डैमेज पॉक को हल्क को देने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे ख्याल से, वुल्वरिन को देता तो भी बेटर रहता, या फिर किसी और को, लेकिन हल्क को देना सही नहीं था, हल्क उतना डैमेज नहीं करता। बक्की को दे दिया रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, या फिर थॉर को डैमेज की डैमेज पॉक की ज़्यादा ज़रूरत थी। स्कारलेट सॉरी, अगर आप ABX में यूज़ कर देंगे तो। उसके बाद में स्कारलेट विच, क्रिटिकल रेट, माइंड डैमेज, इसके अंदर को तो दूसरा कुछ चेंज करना चाहिए था मेरे से। स्कारलेट विच तो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर CTP दे रखा है, जो मैंने कैप्टन को दिया हुआ है वही सेम CTP दिया हुआ है वुल्वरिन को। मेरे ख्याल से वुल्वरिन को टाइमलाइन मेटल में यूज़ कर देंगे मैक्सिमम जीतने के लिए, लेकिन मैं तो हरा सकता हूँ वुल्वरिन को, चाहे कितना भी पावरफुल CTP क्यों ना लगा ले। उसके बाद में डेडपूल है, यहाँ पर Tier 2 कम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पर गेयर जो है वो काफ़ी वीक है, मतलब Tier 2 अनकम्प्लीट है। उसके बाद में बाकी के कैरेक्टर सब पेंडिंग में है। आयुष 055, मेरा गला सूख गया बोलते बोलते, थक गया हूँ। सेम सेम सेम। उसके बाद में यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को दिया हुआ है सेम मेरे जैसे सवाल, CTP। उसके बाद 1 मिनट, CTP में चेंजेस है क्या कुछ देखने दो। यहाँ पर CTP को अपग्रेड करो यार, मैक्सिमम इसका जो HP है वो काफ़ी कम है और इसका रिकवरी रेट भी काफ़ी कम है, इसको अपग्रेड करो, इसको अपग्रेड करो। और एक मतलब इसको अपग्रेड का ऑप्शन होगा, चेंज ऑप्शन का, इसको और एक चेंज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद और एक ऑब्लिस्क आएगा, ऑब्लिस्क के साथ इसको करो, कंबाइन करो, तो इसके स्टेट ना बदलने की कोशिश करो, मैक्सिमम ले जाने की कोशिश करो। इसकी जो मैक्सिमम HP है वो करीब करीब मेरे ख्याल से 30 या 50 के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद में इसका रिकवरी रेट 80 से लेकर 90% के आसपास होना चाहिए, तो कैप्टन ज़्यादा हील करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हील करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करने की कोशिश भी करेगा, तो इसको बेस्ट करो। और इसका फिजिकल अटैक 44,000, ऐसे कैसे कर दिया भाई, एक मिनट ज़रा कार्ड चेक करूँ मैं। ऑल अटैक 23, फिजिकल अटैक 18%। अच्छा, फिजिकल अटैक 18% के वजह से यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का फिजिकल अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो ये बात है। क्रिटिकल डैमेज 1 मिनट, भाई साहब का थोड़ा यूरू भी चेक कर लूँ मैं। यूरू तो इसके 4 स्टार के है, बाकी सब तो सब सेम ही है, 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5। ठीक है, देखता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा 44,000 और अकेला एक कैरेट का 80K ले जाने की, तो देखता हूँ बाद में। क्रिटिकल डैमेज फ्रीज 1 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज है थॉर का, यहाँ पर आई शॉट क्या है फॉल्क, थॉर का CTP दे रखा है, बाकी सब कैरेक्टर पेंडिंग में। अभी 1425, मेरे ख्याल से ID चेक कर लिया मैंने, AJ ग्रे बॉय का भी चेक कर लिया। उसके बाद में फराज अहमद 0606।
सेम 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 बोलूँगा, सेम सेम सेम। उसके बाद में यहाँ पर स्टन इफेक्ट है, पॉइजन डैमेज, ये गलत दिया हुआ है। एक तो गार्ड ब्रेक कम्युनिटी देना था, फेयर इफेक्ट देना था, या फिर क्रिटिकल डैमेज देना था, या फिर डैमेज प्रॉक, तो ज़्यादा बेटर रहता। ये ऑब्लिस सही नहीं है, इसको रिमूव करो। और इसका जो फिजिकल अटैक है वो 35,000 है, इम्प्रेसिव। बहुत सारा काम पेंडिंग है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट आईडी की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर दूसरी एक आईडी चेक कर लेता हूँ। अरे यार, ये बार बार चेक कर, दिमाग खराब चेंज हो रहा है ना, तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। कार्ड के बारे में वही सेम बोलूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में बोला, तो पिछला वीडियो जाके देख लो स्टार्टिंग का, आपको समझ में आ जाएगा क्या इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद में थॉर 160% का डैमेज प्रॉक, कैप्टन को कुछ नहीं दिया, कैप्टन को अभी भी पेंडिंग है अपग्रेड। ठीक है, बाकी सब अपग्रेड करते रहो धीरे धीरे। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी आईडी चेक करता हूँ। मैं आर एम एन वीवीडी, सेम 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 बोलूँगा, पिछले वीडियो जाकर देख लो तो समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या बोला है। उसके बाद है माइंड डैमेज और लाइटनिंग रेसिस्टर, 200% का डैमेज प्रॉक दिया हुआ है एबीएक्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पर फायर डैमेज की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर स्ट्रेंज को, ना ही मूवमेंट स्पीड डाउन इफेक्ट। यहाँ पर गार्ड बेक इम्यूनिटी रिकवरी रेट, या फिर क्रिटिकल डैमेज, या फिर कुछ और जो भी ठीक लगे। उसके बाद में यहाँ पर इग्नोर डॉज, ये तो डॉज सी टी पी दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर सब पेंडिंग में, सब का सब पेंडिंग में। एट सेवन नाइन ज़ीरो, आगे का पढ़ लो यार। बीपी का एक कार्ड, ऑल अटैक तो है ही नहीं, फिजिकल अटैक एनर्जी अटैक तो बढ़ा लिया लेकिन ऑल अटैक बढ़ा ही नहीं। तो जिसका कैरेक्टर का वीकनेस है वो अभी बताता हूँ मैं, यहाँ पर क्या क्या होने वाला है यहाँ पर वीकनेस। पहले तो वीकनेस यहाँ पर 30,080 के, देखिए यहाँ पर सबसे पहला वीकनेस मिला, कैप्टन अमेरिका तेरा टायर टू है, टायर टू तो है लेकिन यहाँ पर गियर्स भी काफ़ी इंक्रीज कर लिया तुमने, सी टी पी भी दे दिया, लेकिन तेरा कैप्टन अमेरिका जो ए टी के वो ऑल अटैक कार्ड में ना होने की वजह से 23,000 पे ए टी के पे अटक गया। तो इसलिए तो एक काम कर, इसका जो कार्ड में मैक्सिमम ऑल अटैक लाने की कोशिश कर, ऑल अटैक अगर एक बार आ गया उसके बाद में जिस किसी भी कैरेक्टर है तेरे, जो भी तेरे कैरेक्टर है वहाँ पर, तेरे कैरेक्टर में इसका जो ए टी के है, कोई भी ए टी को, एनर्जी अटैक टाइप हो या फिजिकल अटैक टाइप हो या दोनों मिक्स हो, उसके ऑटोमेटिकली ए टी के इंक्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर तू अगर तू बोलेगा कि मैं फिजिकल अटैक इंक्रेस करूँगा, एनर्जी अटैक इंक्रेस करूँगा, तो इसी उन्हीं कैरेक्टर के अटैक जो है, अटैक है ए टी के, वही इंक्रेस होंगे, बाकी कैरेक्टर के नहीं होंगे। तो इसलिए वहाँ पर ऑल अटैक में इंक्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो अभी कि कार्ड में ऑल अटैक होना बहुत ज़रूरी है। कार्ड में ऑल अटैक नहीं होगा तो कैरेक्टर वीक होगा। तो जैसे आपका कैरेक्टर यहाँ पर वीक है 23,080 के साथ, मेरा कैप्टन अमेरिका टायर टू पे मेरे ख्याल से 28,000 या 25,000 के आसपास उसका 80 के था, तो यहाँ पे 23,000 है तो काफ़ी वीक है। तो कार्ड में ऑल अटैक लाने की पूरी कोशिश करो। उसके बाद में यहाँ पर आयरन मैन बहुत ख़राब कंडीशन में है, डैमेज प्रॉक की इसको ज़रूरत नहीं थी, कैप्टन को ज़रूरत थी, कैप्टन को सी टी पी दे रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। उसके बाद में यहाँ पर कॉर्वस ग्लाइफ पेंडिंग में, वुल्वरिन भी पेंडिंग में है, सब कुछ पेंडिंग में। देवस एवेंजर्स, जरा इनकी भी आईडी चेक कर लूँ मैं, तो कार्ड भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर अटैक स्पीड, क्रिटिकल अटैक, क्रिटिकल डैमेज, ऑल अटैक, इग्नोर डॉज, इग्नोर डिफेंस, कूलडाउन ड्यूरेशन 15% पे, और ये दूसरे एलायंस में ज्वाइन है। साथ में यहाँ पर इनका
क्रिटिकल डैमेज तो दिया लेकिन मैक्सिमम एचपी भी दिया। इसको थोड़ा अपग्रेड करो और कुछ बेटर करने की कोशिश करो, और इसका आई एस रेट है वो गलत दिया हुआ है, सही करो। उसके बाद में यहाँ पर रिकवरी रेट की ज़रूरत नहीं है स्पाइडरमैन को। क्रिटिकल डैमेज, इग्नोर डॉज, इग्नोर डिफेंस, उसके बाद में फियर इफेक्ट, स्टन इफेक्ट, फियर इफेक्ट, उसके बाद में कुछ और दे दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज, नियर इफेक्ट। थॉर का क्या हाल है? थॉर का यहाँ पर लाइटनिंग रेसिस्ट नहीं, लाइटनिंग डैमेज होने था, डैमेज प्रॉक है, इसलिए मैं अभी ओके बोलता हूँ, लेकिन बाद में जैसे ही आपके पास क्रिस्टल और ऑब्लिक्स जैसे ही बेस्ट वाला बन जाएगा, लाइटनिंग डैमेज, क्रिटिकल डैमेज प्लस डैमेज प्रॉक वाला इसको देना तो ज़्यादा स्कोर करेगा। फिर उसके बाद में ज़्यादा डैमेज करेगा थॉर, फियर इफेक्ट, स्टन इफेक्ट। उसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज के पेंडिंग में मेगा से, हाँ पेंडिंग में। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी कौन सी आईडी चेक कर रहा था मैं, देवदास सर्विसेज हो गया, JMC 96। सेम सेम सेम। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा मैं कैरेक्टर चेक कर लेता हूँ एक बार। क्रिटिकल डैमेज साथ में कुछ और देना चाहिए था, अब इसको मेरे ख्याल से गोल्ड की कमी होगी उस वजह से पेंडिंग हुए यहाँ पर। इग्नोर डॉज, क्रिटिकल डैमेज 90% का डैमेज प्रॉक को थॉर को, कैप्टन थॉर को देना चाहिए था। उसके बाद में यहाँ पर इग्नोर डॉज गार्ड पे कम्युनिटी है। उसके बाद में यहाँ पर लाइटनिंग डैमेज, क्रिटिकल रेट प्लस डैमेज प्रॉक ने दिया था। बस सेम 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 बोलूँगा सब। अमर 98765 स्कारलेट विच है इसके पास, तो मैं कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब बंदा समझदार है, बाकी के सब इंक्रीज कर लिया होगा, लेकिन यार देखता हूँ तो क्या यहाँ पर कोल्डन ड्यूरेशन है ही नहीं बंदे मेरे भाई, थोड़ा सा कोल्डन ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा वरना कैरेक्टर की बैंड बच जाएगी। आई एस रेट गलत दिया हुआ है, उसके बाद में ऑब्लिस भी गलत दिया हुआ है, बहुत सारा इंप्रूवमेंट करना है मेरे भाई, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट बाकी है। एजेंट शरीफ, सरकार से चेक करूँ मैं यहाँ पर दोनों मकवास आए हैं। वेव इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है स्पाइडरमैन को, कुछ और देते ज़्यादा बेटर रहता है, क्रिटिकल डैमेज वगैरह वगैरह तो ज़्यादा डैमेज करता है स्पाइडरमैन। उसके बाद में यहाँ पर रिकवरी रेट, फायर डैमेज, जो जिमी आए वो करो, मेरे को क्या। बाकी सब कैरेक्टर पेंडिंग में। उसके बाद में नेक्स्ट आईडी यहाँ पर विक्रांत 21 का, यहाँ से इसका हो गया। रफ़िकास, रफ़िक मेरे भाई काफ़ी दिन से आपका मैसेज नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लूँ मैं, अरे बाप रे प्रीमियम कार्ड की भार पड़ी यहाँ पर। ऑल अटैक, क्रिटिकल डैमेज और ऑल अटैक है, फिजिकल अटैक है, इग्नोर डिफेंस है, यहाँ पर सब कुछ एकदम बढ़िया है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बाकी सब कैरेक्टर भी एकदम बहुत बढ़िया होगा, साथ में सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर 180% का डैमेज प्रॉक होना चाहिए था, और यहाँ पर CTP होना चाहिए था, यहाँ पर CTP होना चाहिए था, और यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब कुछ एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक चेक कर लेता हूँ, रफ़िकास हो गया, आदित्य चौधरी थोड़ा सा चेक कर लूँ यहाँ पर, अटैक स्पीड, क्रिटिकल अटैक, क्रिटिकल डैमेज, ऑल अटैक, कूलडाउन ड्यूरेशन है 23% पे, बाकी सब अपग्रेड कर लेना धीरे धीरे। उसके बाद में मेरे ख्याल से मैंने जब भी आईडी चेक कर लिया है, आदित्य चौधरी करके मेरा अलायंस का मेंबर ना, तो आईडी चेक हो गई होगी। उसके बाद में यहाँ पर रोहन 365 जब भी चेक कर लिया, संतोष बॉस 007, सत्यम बॉस 007 जरा चेक तो कर लूँ। प्रीमियम कार्ड है 32%, बंदा समझदार है सब कुछ कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पर सत्यम बॉस 007 का तो हो गया, कहाँ गया, सूरज के, सूरज के, कौन
कूलडाउन ड्यूरेशन 18% पे, बाकी सब चीज़ें इंक्रेस है। यहाँ पर ऑल अटैक है वो काफ़ी कम है, तो ऑल अटैक इंक्रेस करना पड़ेगा, साथ में बाकी की चीज़ें आपने इंक्रेस कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस तो रहेगा कैरेक्टर में। जैसे एग्जांपल अभी बताता हूँ मैं, यहाँ पर 39,000 है कैप्टन का, 80 के अर्क खेलेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिकवरी रेट दिया हुआ है, रिकवरी रेट की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आप तो सबसे टॉप में हो, फिर भी ये हरकत कैसी हुई। डैमेज प्रॉक की वजह से मेरे से है आपने रखा हुआ है, ठीक है को नो प्रॉब्लम, डैमेज प्रॉक की वजह से ओके बोलता हूँ, लेकिन बाद में चेंज कर लेना। सिटी भी दिया हुआ है स्पाइडरमैन को, यहाँ पर भी दिया हुआ है सिटी भी इसको, फायर डैमेज रिकवरी रेट सिटी भी इसको, सिटी भी यहाँ पर फायर डैमेज स्टन इन्फिनिटी, उसके बाद में गार्ड इन्फिनिटी, क्रिटिकल डैमेज है, इनविजिबिलिटी 2 सेकंड्स का रिकवरी रेट, उसके बाद में यहाँ पर टायर 2 है, यहाँ पर कंप्लीट डेड पूल, उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी हद तक कैरेक्टर्स है इंक्रेस है। जो थॉर को तो चेक कर लो, थॉर का क्या हाल है, रिकवरी रेट 18, इसको रिकवरी रेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर सूरज के काफ़ी अच्छा प्लेयर है, मैं इनको जानता हूँ, और जो भी कर रहे होंगे बेस्ट कर रहे होंगे, बस लगे रहो। उसके बाद में Z26 है, सेम। उसके बाद में यहाँ पर सिटी भी दिया हुआ है। स्पाइडरमैन को मेरे ख्याल से टाइमलिमिटर में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड के लिए बना हुआ नहीं है, बाकी का यूज़ वहाँ पे अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड में कर सकते हो, लेकिन स्पाइडरमैन को नहीं। उसके बाद में यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर इसको रिक्रूट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसका बहुत सारा पेंडिंग है, और कैप्टन अमेरिका टायर 3 नहीं है, तो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका को टायर 3 करना। हल्क को सीटीपी की ज़रूरत नहीं थी, कैप्टन को ज़रूरत थी, थॉर को ज़रूरत थी, बहुत सारा काम पेंडिंग है। उसके बाद में यूनिफॉर्म तो ले लिया, लेकिन इसका यूज़ क्या। उसके बाद में यहाँ पर केबल को कुछ और देना चाहिए था सीटीपी डैमेज प्रॉक वाला, लेकिन इसको कुछ और ही दे दिया आप लोगों ने। Z26 है, रौनक बाटू, काफ़ी दिनों पहले बातचीत हुई थी, लेकिन अभी कुछ बातचीत हुई नहीं है। N237 का मेरे का से आईडी चेक कर लिया मैंने, डबल से चेक करना ना पड़े। हाँ चेक किया। उसके बाद में डबल से वापस जाना पड़ेगा, बार बार दोबारा में बैक के बटन कहाँ गया, तरुण गुप्ता। बहुत बड़ा वीकनेस है कार्ड में, बहुत बड़ा वीकनेस। डिफेंस सिस्टम को एकदम मैक्सिमम कर लिया, लेकिन इधर पूरा भंकस हुआ है। साथ में यहाँ पर कूलडाउन ड्यूरेशन 30% लाना पड़ेगा, ऑल अटैक इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज काफ़ी है, लेकिन बाकी की चीज़ें भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑल अटैक वगैरह। तो सबसे पहले कार्ड सही करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है आपको कैरेक्टर के अंदर। वीर मत्तू है, तो देख लेता हूँ जाके अंदर, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कूलडाउन ड्यूरेशन 19% पे, बाकी का सब अटैक हो जाएगा। इनकी आईडी चेक कर लिया मैंने, जब भी अलग अगर मेरा अलायंस
अलायंस में ज्वाइन है तो मैंने चेक कर लिया आईडी, तो डबल आईडी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर D4NY87, कैप्टन का ऑब्लिक बहुत गलत दिया हुआ है, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है केबल को, CTP। उसके बाद में यहाँ पर ये जो CTP दिया वोल्वरिंग को, वो सेम CTP केबल को देना है, तो जाकर केबल अच्छा स्कोर करेगा अर्नेस बेटर एक्सट्रीम मोड में। बाकी सब कैरेक्टर पेंडिंग में। उसके बाद में नेक्स्ट जो CTP स्पाइडरमैन को दे रखा है, वो अगर कैप्टन होते तो ज़्यादा स्कोर करता अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड में। तो उल्टा पुल्टा काम कर रखा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा सही करना है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट सुपर तन में, ज़रा एक बार चेक तो करो। अच्छा, एक जिन जिन को अलायंस की ज़रूरत है, अलायंस ज्वाइन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सुपर तन्मय करके अलायंस है, इस भाई साहब के अलायंस को ज्वाइन करो फटाफट, जितने हो जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। अगर आपको इंडियंस अलायंस चाहिए तो जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन करो। तो बाद में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी अलायंस के आपको डिटेल्स में दे देता हूँ, उस अलायंस में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना, अलायंस लीडर 15 दिन से ज़्यादा अगर ऑफलाइन रहता है तो लीडरशिप किसी और के हाथ में चली जाएगी, जो भी उस अलायंस में सेकंड नंबर पे टॉप पे होगा अलायंस लीडर के अलावा। इसलिए अलायंस लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले और बहुत सोच समझ के खेले। न्यू प्लेयर है, काफ़ी हद ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे जितने भी अभी तक मैंने रिव्यू किया, जितनी भी लोगों के आईडी मैंने चेक किया, उस सभी के आईडी भी जाकर आप देखो, समझ में आ जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार बोल बोल के मैं थक गया हूँ। बंदे का कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। कार्ड देख के मैं समझ गया था कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरे में आईडी चेक करता हूँ, विकू फोर ट्वेंटी। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो CTP दिया हुआ है क्विक सिल्वर को, ये CTP किसी और को देते तो ज़्यादा बेटर रहता, या फिर इसको संभाल कर रखते तो और भी ज़्यादा बेटर रहता। उसके बाद में यहाँ पर आपके बेसिक जो मेन कैरेक्टर मेन एवेंजर्स है उनके साथ आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो जाओ इम्प्रूवमेंट करो। संजय स्पाइडर यूपी, थोड़ा इनका भी चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से कल मैंने चेक किया था, हाँ चेक कर लिया, जब भी के वीडियो में मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर लितिश्मा का चेक कर लिया है शायद मैंने।
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है थोड़ा सिटी पे और ऑब्डिस में, बाकी सब सही है। उसके बाद मैं यहाँ पर किसके आईडी चेक किया था मैंने, संजय स्पाइडर यूटीवी, रितिश्मा, सौरभ सोनवाने, सौरभ सोनवाने। बाकी सब इम्प्रूवमेंट में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लो कार के स्टेट में, बाकी सब एकदम सही है। उसके बाद में यहाँ पर पॉइजन डैमेज की ज़रूरत नहीं है कैप्टन को, कैप्टन को गार्ड बी कम्युनिटी प्लस क्रिटिकल डैमेज या फिर डैमेज प्रॉक या फिर कुछ और देने की ज़रूरत है। उसके बाद में यहाँ पर थॉर को डैमेज प्रॉक देने की ज़रूरत पड़ेगी, लाइटनिंग डैमेज ओके। उसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज गार्ड बी कम्युनिटी वेव रिकवरी रेट या फिर कुछ और भी दे सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर आयरन मैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा आपको, आयरन मैन का नहीं भी करोगे तो भी चलेगा लेकिन स्पाइडर मैन का ज़रूरी है। मैक्सिमम एचपी, फियर इफेक्ट, क्रिटिकल डैमेज और फियर इफेक्ट चल रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। उसके बाद में यहाँ पर क्विक सिल्वर, मैक्सिमम एचपी और डिफेंस, डिफेंस का मैंने पहले ही बोला कि डिफेंस की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कैरेक्टर को। उसके बाद मैक्सिमम एचपी 100% का एनर्जी अटैक, इसका इनविजिबिलिटी होता या फिर कुछ और होता तो ज़्यादा बेटर रहता। उसके बाद में वोल्वरिन, मैक्सिमम एचपी, क्रिटिकल डैमेज, गार्ड बैक इम्यूनिटी या फिर इनविजिबिलिटी या फिर डैमेज प्रॉक, वोल्वरिन के लिए एकदम परफेक्ट होता। स्नेयर इफेक्ट नहीं, वेव इफेक्ट, अगर स्पाइडरमैन को अगर पीटना है तो एक ही कैरेक्टर बचता है फिर कैप्टन अमेरिका के बाद, हल्क। तो हल्क के अंदर वेव इफेक्ट होना ज़रूरी था लेकिन नहीं दिया हुआ है तो इम्प्रूवमेंट कर लेना। एबीएक्स में तो हल्क कोई काम का नहीं आएगा क्योंकि उसके जगह पे वुल्वरिन है। मैक्सिमम एचपी डॉच, सीटीपी, थ्रोबलिस भी से सब कुछ सही सही करना है भाई का, बहुत सारा काम पेंडिंग में। सौरभ सोनवाने, रितेश 555666, कूलडाउन ड्यूरेशन ईटीसी, ईटीसी सब कुछ इंक्रीज करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या चाहे, फियर इफेक्ट है इनविजिबल 3 सेकंड्स के लिए, ओवरड्राइव का आइस वेट, कैप्टन अमेरिका टायर 3 पेंडिंग में, सीसीएफ कम। उसके बाद में यहाँ पर स्पाइडरमैन इनविजिबल के वजह से यहाँ पर ऑब्लिस दिया हुआ है, वरना क्रिटिकल डैमेज, गार्ड बी कम्युनिटी, इग्नोर डॉच, इग्नोर डिफेंस, कुछ और भी दे सकते थे स्पाइडरमैन के लिए तो ज़्यादा बेटर रहता और इसका अटैक भी काफ़ी कम है। उसके बाद में यहाँ पर डैमेज प्रॉक दिया हुआ है, बाकी सब कैरेक्टर पेंडिंग में। उसके बाद में नेक्स्ट अभिषेक पार्कर, पीटर पार्कर, हैरी पॉटर, बंदे का सब कुछ बढ़िया है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट विशाल 66, थोड़ा चेक कर लिया जाए। अच्छा, आप आज का जो एबेक्स है उसके लिए इसकी टीम रेडी है तो मैं भी एक बेस्ट करूँगा, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, मेरे जैसे कार्ड लगाए हुए लेकिन थोड़े चेंजेस है। उसके बाद में क्रिटिकल डैमेज है 25% का, सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद में यहाँ पर कैप्टन को दिया हुआ सी टी पी सेम मेरे जैसे दिया हुआ है। उसके बाद में आयरन मैन ने टायर 3 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आयरन मैन का मैक्सिमम एच पी, लाइटनिंग 140% का डैमेज प्रॉक। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है 120% का डैमेज प्रॉक, स्कारलेट विच को माइंड डिसीज, माइंड डैमेज दिया हुआ 120% का डैमेज प्रॉक, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट यदुवंशी नंबर वन, फियर इफेक्ट प्लस क्रिटिकल डैमेज और इनविजिबल, अगर ये तीनों आते हैं तो कैप्टन अमेरिका के ज़्यादा बेटर रहेगा अटैक करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर वेव इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है स्पाइडरमैन को, स्पाइडरमैन को फियर इफेक्ट की ज़रूरत है प्लस डैमेज प्रॉक या फिर इनविजिबल टच तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर इग्नोर डॉच और माइंड डैमेज, इसकी ज़रूरत नहीं थी, आइस वेट भी आपको सही करना पड़ेगा। वेव इफेक्ट, इनविजिबल, क्रिटिकल डैमेज, इसको बोलते सही ऑब्लिस्क, ये परफेक्ट ऑब्लिस्क है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में यहाँ पर वेव इफेक्ट इंडिविजिबल 3 सेकंड्स के लिए, ये भी अच्छा ऑब्लिस्क है, बहुत बढ़िया।
उसके बाद में यहाँ पर फियर इफेक्ट रिकवरी रेट हार्क बस्टर आर्मर ले लिया, क्या बात है। थॉर को इम्प्रूवमेंट नहीं किया अभी तक, थॉर सबसे बेस्ट है, ठीक है इम्प्रूवमेंट कर लेना, वो भी इपिक कास्ट वगैरह सबका आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। प्रदीप सेना, सेना का थोड़ा सेना चेक कर ले तो कैसी है इनकी सेना। कार तो एकदम बकवास और घटिया लग रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर अलायंस को एक मिनट, इग्नोर डिफेंस कोल्ड रेसिस्ट, इग्नोर डिफेंस प्लस वेव इफेक्ट या फिर फेयर इफेक्ट या फिर डैमेज प्रॉक या फिर कुछ इनविजिबिलिटी रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। उसके बाद में यहाँ पर थॉर 45 मिनट से बकबक कर रहा हूँ मैं, 180% का डैमेज प्रॉक। उसके बाद में यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज, इनविजिबिलिटी 3 सेकंड्स के लिए, बाकी सब परफेक्ट है, ठीक है अपग्रेड पेंडिंग में। प्रदीप सिन्हा का तो हो गया, शशांक 787, बंदे का कार्ड देख के लग रहा है कि बंदा काफ़ी पावरफुल होगा। ऊपर से ऐसे ही थोड़ा देख देख कर चेक कर लेता हूँ, बाकी सब कैरेक्टर का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फेयर इफेक्ट है, वेव इफेक्ट है, अरे क्या बात है, ऐसा चाहिए ओब्लिस्क, सेम ओब्लिस्क में डॉक्टर चेंज के लिए ढूंढ रहा हूँ वैसा ही वाला, ताकि मैं सबकी बैंड बजा सकूँ, लेकिन मुझे ऐसा ओब्लिस्क मिल नहीं रहा है और ना ही बना पा रहा हूँ। गार्ड बे कम्युनिटी माइंड डैमेज, उसके बाद में हाँ गार्ड बे कम्युनिटी की ज़रूरत है साइक्लॉप को, क्योंकि मैंने जब भी शैडोलैंड में यूज़ करने की कोशिश किया तब किसी ने गार्ड बे कर दिया था साइक्लॉप का, तो मैं साइक्लॉप को गार्ड बे कम्युनिटी याद से दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर पेंडिंग में है। उसके बाद में नेक्स्ट आईडी की तरफ चलता हूँ, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा अभी। अरे मेरे भाई, आई एम जितेंद्र, आई एम नॉट जितेंद्र, यू आर जितेंद्र। बंदे का थोड़ा कार्ड देख लूँ मैं, कार्ड का कूल डाउन ड्यूरेशन है 27%, क्रिटिकल डैमेज है 8%, ऑल अटैक है 37%, फिजिकल अटैक है 13% और एनर्जी अटैक है 21%, और इग्नोर डिफेंस है 23% पे। साथ में थोड़ा सा देखता हूँ मैं, यहाँ पर डैमेज पॉक दिया हुआ है ABX के लिए, उसके बाद में यहाँ पर थॉर को भी दिया हूँगा ABX के लिए डैमेज पॉक और वेव इफेक्ट, क्या बात है। स्पाइडरमैन को टाइम लिमिटर में आसानी से पछाड़ सकता है, आसानी से, वेरी इजीली। उसके बाद में यहाँ पर 200% का डैमेज प्रॉक ABX के लिए केबल को। उसके बाद में विंटर सॉलिडर यानी बकी, 140% का डैमेज प्रॉक क्रिटिकल डैमेज, ऑल डिफेंस अगर इसमें नहीं होता कुछ और रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन फिर भी चल जाएगा डैमेज प्रॉक के हिसाब से तो ठीक है। उसके बाद में गार्ड बे कम्युनिटी क्रिटिकल डैमेज और इनविजिबिलिटी, क्या ओब्लिस का कमाल कर दिया हुआ। उसके बाद में यहाँ पर माइंड डैमेज होगा, क्रिटिकल डैमेज है, 140% का डैमेज प्रॉक है, 130% का डैमेज प्रॉक। उसके बाद में सभी में मैक्सिमम मेरे ख्याल से सभी में CTP और ओब्लिस और डैमेज प्रॉक होगा, तो बाकी सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, और कुछ कैरेक्टर के अंदर वीकनेस तो होगी, कहीं ना कहीं तो वीकनेस तो होगी ज़रूर, जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वीकनेस तो ज़रूर होगी, ढूंढ के तो निकालूंगा मैं। हॉकाय, आइसोवेट, ऑब्लिस्क, गेयर, कहीं ना कहीं तो वीकनेस तो ज़रूर होगी बेटा। सटाना, टाइटेनिया, एशियंट वन, हॉकाय, एंग्री ऑफ हल्क, आइसोवेट, कम लो लेवल का ओवरड्राइव, और ये क्या है, इसको तो ओवरड्राइव दे दिया, वाह भाई वाह। जिस टाइम पे ये क्या नाम है इसका मैंटिस आई थी, उस टाइम पे मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, लगभग मैंने गेम को छोड़ ही दिया था, क्योंकि माइंड डैमेज की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला कैरेक्टर जो था वो मैं था, तो सबसे ज़्यादा पिटाई मेरी हुई थी उस टाइम पे जब तो मैंटिस आई थी तब। बाकी सब कैरेक्टर पेंडिंग में। उसके बाद में नेक्स्ट आई एम जितेंद्र, सब कुछ बढ़िया है, एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, उस तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वीकनेस अपन जो है वो ढूंढ कर निकाल कर आपको डिफेक्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से कैरेक्टर यूज़ करना।
उसके बाद में आई एम जितेंद्र हो गया, फराज 606 हो गया था, जब भी एजे ग्रेवा जकेंद्रो, उसके बाद राज रूडर 201, अभी 2415, 1425 हो गया, आयुष 0555। ये थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, एकदम सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चलने दो, सभी तरीके से चलने दो और अपग्रेड करते रहो। उसके बाद में नेक्स्ट आईडी सबसे नीचे में लास्ट दो या एक बची है, उसके बाद में आई एम वैनी का चेक कर लेता हूँ। 966 ये तो चेक हो गया, आई एम वैनी का बचा है, तो आई एम वैनी फटाफट, आई एम नॉट वैनी, यू आर वैनी। उसके बाद में यहाँ पर कैरेक्टर का देख लेता थोड़ा सा, स्नेयर वेब और 200% का डैमेज प्रॉक्स स्पाइडरमैन और फोनिक्स को ये आराम से डिफेट कर सकता है, लेकिन इसमें रिकवरी रेट नहीं है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वीकनेस हो, लेकिन अगर टीम अप सही तरीके से हो, जैसे ग्रूट और वास्प हो, तो इसको हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 160% का डैमेज प्रॉक क्रिटिकल डैमेज एबिक्स हो, यहाँ पर एबिक्स तो सब कुछ एकदम फैंटास्टिक, एकदम रेडी है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। चलो मेरा हो गया आईडी चेकिंग का वीडियो, फ्रेंड लिस्ट होगी कंप्लीट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ भी उल्टा सीधा मैंने बोला हो या कुछ छूट गया मेरे हाथ से, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा मैं देखता हूँ, बाकी के आईडी चेक करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।